गाइस यहाँ पे मैं आ गई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी। रुको जरा सबर करो। पंजाबी च कहंदे जी कोला। तो कहते हैं जी हमें शोरबे वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये देखें और कांटे रखते हैं बच्चों को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो वेलकम बैक माय न्यू अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू होता है जी मेरा, तकरीबन रात के हो चुके 6:30 का टाइम, और मेरी बेटी और मेरे बेटे का दिल चाह है जी हमें जल्दी जल्दी से मैगी नूडल्स बना दो। तो वो गए हैं जी फ्रिया और उसका भाई मैगी नूडल्स लेने के लिए। मैंने कहा उतनी देर आप सबसे सलाम दुआ हो जाए और आप सबसे रिक्वेस्ट की जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो, प्लीज़ दिल से सपोर्ट किया करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, हर व्लॉग को मैं बताती हूँ और बताती रहूँगी जब तक आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट नहीं करें। 5वां साल शुरू होने वाला है और आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, 1000 से ऊपर हो चुकी है। तो जनाब सपोर्ट किया करें, वो के लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए व्लॉग बनाते हैं, कोशिश करती हूँ आपके साथ मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग शेयर करूँ, अपनी डेली की रूटीन हो जाए, जो भी मेरे कोई कुछ मुझे मिलता है एंजॉयमेंट या कुछ भी, मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी शादी कैसे हुई, लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, आप हमें कोई डेयर देना चाहते हैं, कोई चैलेंज हम हस्बैंड वाइफ को देना चाहते हैं, फ्रिया को मुझे कोई चैलेंज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो मुझे बताया करें, प्यारे कमेंट किया करें। और उंगलियों की मेहनत होगी और मेरी जो व्लॉग की मेहनत है वो मैं आपके साथ ज़बरदस्त से बनाने की कोशिश करके आपको इंटरटेन किया करूँगी। तो आपने साथ रहना, वीडियो फुल वॉच करनी, छोटी सी वीडियो 5 मिनट में बनने वाला मैगी नूडल्स आपको साथ में शेयर करूँगी। तो चलते हैं किचन। चटपटा हॉट चिल्ली, हॉट चिल्ली तो मैंने कहा है, वैसे चटपटा इसका नाम है। अभी हमारे वेजिटेबल नहीं है, चिकन नहीं, बार हम सादा ही बना रहे हैं बस फिलहाल तो। हाँ वो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखें अंधेरा हो गया, यहाँ पे हम करेंगे खाने की तैयारी। खाना मेरा सालन मेरा बना हुआ, दोपहर में मेरे बनाई थी चने की दाल, और अभी फिर ये मैगी खाएंगे। रोटी शायद 6:30-7 बजे थोड़ी सा रोटी। फ्रिया का थंबनेल तैयार करना है। सलाम पहले वाली हो, ये दूसरी, ये सब चीज़ें किसने लेके दी? मैं उठा क्योंकि संडे वाले दिन उसकी छुट्टी होती, फिर वो लेट ही उठता है। दोपहर में उठा था, नाश्ता वगैरह करके फिर सो गया था, अभी उठा और अभी फ्रिया को लेके गया बाहर चीज़ वगैरह दी। थोड़ी बोला, इसने बोला हल्के हल्के से बबल आने शुरू हो गए, फिर हम मैगी डालते हैं। इसमें नमक थोड़ा कम होता है, चुटकी नमक के डाले। भाई मारो मुझे, मारो मारो। अब लग रहा मैगी, टेबल मैगी होती है ना, फिर उसके अंदर हम मिर्ची भी हल्की सी डालते, खाती मिर्ची नहीं उसमें डालते होते हैं क्योंकि वो ना फिर थोड़ी स्पाइसी हो जाए, भीतरी मसाले डालने स्पाइसी नहीं होता। हम ना आपको बाद में शक्ल भी दिखाएंगे, शक्ल भी बाद में फाइनल लुक कहते हैं। इसको कवर करते हैं, हल्की आंच पे पकने देते हैं। गाइस यहाँ पे मैगी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी। मेरे बच्चे कह रहे हैं जी हमें शोरबे वाली मैगी चाहिए, खुश्क मैगी नहीं चाहिए। चूल्हा करते हैं बंद और मैगी को एक कटोरे में निकालते हैं। मेरा एक डोंगा था वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। मैंने स्टील के डोंगे में, डोंगे नहीं स्टील का, जो पंजाबी से कहते हैं जी कोला। रुको जरा सबर करो। तो ये देखें जी, तो यहाँ पे ये देखें और कांटे रखते हैं बच्चों को देते हैं। गाइस मैगी आ चुकी है हमारी वापस। फ्रिया कहती है इतनी शोरबे वाली रखो, बेटा कहता है जिसको थोड़ा सा और ड्राई करें फिर लेके आए। अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई ज़्यादा ड्राई खाते हैं, कोई ऐसे खाते हैं।